क्या कर रहे हैं फाइनली 16th को? अरे कोई सीन नहीं बना यार अभी, जल्दी सोच ले, मैं बताऊंगी यार। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। देखो भाव खा रही है। अरे नहीं यार, यार कितना अच्छा लग रहा है। रणधीर, दिस इज पूर्णिमा, JNU के सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर है। ओह ग्रेट। और ये है हमारे मास्टर शेफ। सिर्फ शेफ। ओके, सिर्फ शेफ रणधीर। और आज की तमाम डिशेस इन्होंने बनाई है। क्यों रणधीर? यस, सांगरी की सब्जी, सेव टमाटर, ग्वारफली का साग, कीचे के पापड़ और बाजरे की रोटी। और आज की स्वीट डिश में है चूरमे के लड्डू। स्वागत है आप लोगों का राजस्थानी खाने पे। थैंक यू। तो कोई विशेष टिप्पणी मिस पूर्णिमा? वेल, ज्यादा तो नहीं, मुझे बस इतना पता है कि राजस्थान का भोजन वहाँ के इतिहास और भूगोल से जुड़ा हुआ है। जैसे राजस्थान में पानी की कमी है और वहाँ के बंजारे जीवन के चलते हुए वहाँ के खाने में साग और सब्जियों का इस्तेमाल कम होता है और शायद ज्वार, बाजरा, रागी ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। सही? राइट। और वैसे भी कल से तो मैं बंजारा बनने वाला हूँ। क्या मतलब? भरतपुर के लिए निकलना है ना सुबह, और तुम क्या पूछ रहे हो, तुम तो मेरे साथ चल रहे हो। सॉरी यार, मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। कोई नहीं, तो फिर आप चलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नहीं, आपकी जुड़वा बहन को बोल रहा था। नहीं, आई मीन मुझे अपने नए रेस्टोरेंट के लिए कुछ फोटोज लेनी है। अच्छा, सुबह चल के शाम को वापस। हाँ तो जाना, इसमें दिक्कत क्या है? चिंता मत कर, रणधीर भला आदमी है। ओके आई गेस। तो कहाँ और कितने बजे मिलना है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 सुबह 5 बजे। क्या? NH8 सुबह 5 बजे। भगवान। इसकी मजाक करने की आदत बिल्कुल नहीं जाती। बहुत बढ़िया है, very nice. Thank you. स्वागत है आपका मिस पूर्णिमा हमारे खट्टे मीठे सफर में। आप जानते हैं भरतपुर दिल्ली से 201 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस शहर को राजस्थान का पूर्वी द्वार भी मानते हैं। इसके उत्तर में पड़ता है जिला गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद और पलवल। पूर्व में पड़ता है आगरा और मथुरा। दक्षिण में पड़ता है धौलपुर और करौली। और पश्चिम में पड़ता है अलवर और दौसा। वैसे कल रात का कुछ याद है आपको? आपका ग्वारफली का साग इतना बढ़िया था, सुबह तक मुझे स्वाद नहीं गया। वैसे मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ उसे बनाने का तरीका। अभी? हाँ। तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्वारफली के साग में लगता क्या है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल राइट। तो सबसे पहले 250 ग्राम ग्वारफली छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 150 ग्राम आलू पतले और लंबे टुकड़ों में कटे हुए, एक बड़ा टमाटर लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, एक बड़ा प्याज लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 5 चम्मच तेल और धनिया के पत्ते सजावट के लिए। अब बनाने की विधि। सबसे पहले ग्वारफली और आलू को पानी में 7 से 8 मिनट उबाल लें, फिर पानी निकाल लें और ग्वारफली और आलू को अलग रख लें। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें और कुछ देर बाद उसमें जीरा डालें, और जब जीरा फूटने लगे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लें और कुछ देर के लिए पका लें। अब इसमें प्याज डाल दें और कुछ देर और पका लें। इसके बाद इसमें टमाटर डाल लें। अब इसमें उबले हुए ग्वारफली और आलू डाल दें और हल्दी, धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला,
स्वाद अनुसार नमक डाल लें और 2 से 3 मिनट पका लें। अब आपका व्यंजन तैयार है। इसे धनिया के पत्तों से सजा लें। और अब हम इसे खाएंगे कैसे? रोटी या पराठा, गर्मा गर्म। वाह, वैसे मानना पड़ेगा, चलती गाड़ी में आपने पूरी रेसिपी बता डाली, समय का पता ही नहीं चला। अभी तो गनीमत कीजिए, सिर्फ बताया है, सोचो अगर चूल्हा लेके बनाने लगते तो क्या होता। वैसे मैंने तो बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी है इतिहास बताने की, क्योंकि भरतपुर दाखिल हो रहे हैं हम अब। ठीक है, तो भरतपुर का इतिहास बता देती हूँ आप। चलिए। भरतपुर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने 1733 में करी थी। उस जमाने में एक अभेद्य किला हुआ करता था, वैसे किला तो आज भी है, बस उसके आसपास शहर बस गया है। आप जानते हैं भरतपुर मेवात इलाके का हिस्सा हुआ करता था और राजस्थान के इतिहास में भरतपुर, दीग और धौलपुर ने एक अहम भूमिका निभाई है। वैसे इस शहर का नाम भरतपुर कैसे? श्री राम के भाई भरत, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम भरतपुर पड़ा है। अच्छा। वैसे इसमें भी एक बहुत मजेदार बात है, इस इलाके के ईश देवता श्री लक्ष्मण हुआ करते थे, यहाँ तक कि राजा की मोहरों पर भी श्री लक्ष्मण का ही नाम उकेरा गया था। और हाँ, आप जानते हैं भरतपुर को लोहागढ़ भी कहते हैं। यही पास में ना एक घना जंगल आने वाला है, उसको कहते ही घना है, घना मतलब डेंस फॉरेस्ट। अरे अब इतनी हिंदी तो हमें भी आती है भाई। वैसे और क्या है यहाँ पे देखने के लिए? भरतपुर में आप देख सकते हैं क्योला देव नेशनल पार्क। अच्छा। जिसे इनफैक्ट यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। सीरियसली? हाँ, यहाँ पर एक जमाने में साइबेरियन क्रेन्स का रैन बसेरा हुआ करता था। ओके। शायद अभी भी है, जाकर ही पता चलेगा। यहाँ पर महलों की भरमार है। अच्छा। हाँ। ये मैंने भी सुना है। यहाँ पर है लक्ष्मी विलास पैलेस, उदय विलास पैलेस, लोहागढ़ फोर्ट, गोलबाग, दीग का किला, बहुत सारे किले हैं यहाँ। जस्ट इमेजिन अगर ये राजा लोग हमारी तरह फ्लैट में रहते तो क्या होता। बेचारे घुट घुट के ही मर जाते। वैसे भरतपुर की एक और मजेदार बात ये है कि वो बहुत ही एक आध्यात्मिक शहर है। अच्छा। यानी कि यहाँ पर है गंगा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, साथ ही साथ जामा मस्जिद, सेंट लूक्स चर्च, मतलब पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो भरमार है यहाँ पे, फुल मेन्यू है जगहों की। अरे यार लीजिए, इतिहास से सीधी मुलाकात, किला लोहागढ़। वाह। आपको पता है इस लोहागढ़ फोर्ट का निर्माण भरतपुर के जाट राजा महाराज सूरजमल ने 1732 में किया था। अच्छा। इस पूरे किले को बनाने में 60 बरस का समय लगा। भारत के तमाम किलों में से इस किले का शुमार कुछ सबसे मजबूत दुर्गों में होता है। 1805 में जब लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश फोर्सेस ने इस किले पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो 6 हफ्तों में भी वो इसको भेद नहीं सके। 3,000 सिपाही मारे गए, तब जाके लॉर्ड लेक ने महाराजा से सुलह करी। कमाल है, मुझे तो यही लगता था कि सिर्फ राजपूत ही योद्धा होते हैं। क्यों, हम सब में एक योद्धा छुपा हुआ है। वो दिख रहा है मुझे। चलिए अब मैं आपको इस किले के द्वार दिखाती हूँ। इस किले के 2 द्वार हैं। उत्तर की ओर बने द्वार को अष्ट धातु द्वार कहते हैं। Okay. और दक्षिण की ओर बने द्वार को चौभुजा द्वार कहते हैं। अच्छा। ये किला चारों तरफ से एक झील से घिरा हुआ है। इस झील का मकसद ये है कि ये दुश्मनों को किले की दीवार से दूर रखेगा। इस किले के अंदर कुछ दर्शनीय स्मारक भी हैं, जैसे किशोरी महल, महल खास, खास कोठी और मोती महल। इसके अलावा किले के अंदर 2 मीनार भी हैं, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। किले के मध्य में एक लोहे का स्तंभ है जिसे यहाँ विजय स्तंभ कहते हैं। इस पर सारे जाट राजाओं का वर्णन है जिनमें भगवान कृष्ण सर्वप्रथम थे। लोहागढ़ का अनुभव बड़ा रोमांचकारी रहा। चलिए मिस पूर्णिमा, पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे पक्षियों से मुलाकात करने। तो क्या खाने वाले हैं हम अब? राजस्थानी ही होगा। अरे हाँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और वैसे भी किसी क्षेत्रीय खाने के असली स्वाद की पहचान वहाँ की थाली होती है, तो आइए देखते हैं टिपिकल राजस्थानी थाली कैसी होती है।
वैसे ही जैसे एक किला या किले में बसा एक शहर पूरी सभ्यता उसकी संस्कृति को दर्शाता है। यस मैडम हिस्टोरियन, दो राजस्थानी थाली। गुड आफ्टरनून शेफ। ओह वाओ, थैंक यू शेफ दे बोंजोल। तो बताइए इसमें है क्या क्या? गट्टे की सब्जी, मिस्सी रोटी, सब्जी मौसम की, राजस्थानी दाल और चावल। क्या बात है, शुरू कीजिए। थैंक यू। तो आप ये सब बना लेते हैं? बिल्कुल, ये मेरा काम है, मेरा पैशन। बहुत खूब। ये गट्टे बहुत अच्छे हैं, ये कैसे बनते हैं? वेल, गट्टे के लिए बेसन की जरूरत पड़ती है, दही, अदरक कुटा हुआ, हींग, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तेल, जीरा, खाने में प्रयोग होने वाला सोडा। अब बनाने की विधि। इसे बनाना काफी सरल है। सबसे पहले एक परात में बेसन ले लें, इसमें थोड़ा दही, कुटी हुई अदरक, जरा सा हींग, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद अनुसार, एक चौथाई चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, जरा सा खाने वाला सोडा, जरा सी हल्दी। अब इसमें जरा सा पानी डालकर एक कड़ा बेसन का गोंद तैयार कर लें। इस गुंदे हुए बेसन से आप इस प्रकार पतले पतले रोल बना लें। इस बीच एक पैन गैस पर गर्म होने दें, इसमें थोड़ा पानी डाल दें और उसे उबलने दें। वापस अपने मैदे के रोल पर चलते हैं। अब इसको अपनी रुचि के अनुसार उपयुक्त टुकड़ों में काट लें। इस बीच पैन में हमारा पानी उबल गया है, आइए हम हमारे गट्टों को इसमें डाल दें। इन्हें 5 से 6 मिनट पका लें। अब इन्हें निकाल लें। आइए हम इनके छोटे छोटे टुकड़े खाने योग्य कर लें। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं जिसमें हम तेल गरम कर लें। थोड़ा गुनगुना गरम हो जाने पर हमारे गट्टों को इसमें डाल लें, 2 से 3 मिनट पका लें। अब ये तैयार हो गए हैं। वाह, क्या करारे नजर आ रहे हैं। तो हमारे गट्टे तैयार हो गए हैं। आइए इसकी कड़ी तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में दही ले लें, उसमें थोड़ा बेसन ले लें, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल लें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें और स्वाद अनुसार नमक। अब इन्हें मिला लें। एक प्याज ले, इसे बारीक काट लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कर लें। कुछ देर बाद इसमें जरा सी हींग डाल लें, जरा सा जीरा और कुटे हुए अदरक के टुकड़े। आइए इन्हें हम हल्का सा मिला लेते हैं। अब इसमें हमारे बारीक कटे हुए प्याज को डाल लेते हैं। इसको थोड़ा भूरा होने दें। अब इसमें हमारा तैयार किया हुआ दही बेसन का मिक्स डाल लें। इसे अच्छे से मिलाएं और 2 से 3 मिनट पकने दें।